गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम योर इंग्लिश टीचर। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अ वेरी गुड लेसन। इट इज़ रिलेटेड टू पीस एंड हार्मनी। द चैप्टर नेम इज़ देयर विल कम सॉफ्ट रेन। तो बच्चों, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, बिफोर आई एम गोइंग टू टीच यू दिस लेसन, सो आई हैव टू आस्क अ वन क्वेश्चन। बिफोर टुडे, नाउ डेज वी आर फेसिंग लॉकडाउन एंड सम वर्स कंडीशन ऑफ द कंट्री। हम देख रहे हैं कि बहुत बुरी स्थिति है हमारे देश की, या दुनिया की भी हम कह सकते हैं, कि लॉकडाउन फेस करा हमने। तो आपने लॉकडाउन के दौरान क्या परेशानियाँ फेस की, क्या फेस किया, मैं आपसे यह पूछना चाहूँगी। और किसने सबसे ज़्यादा फेस किया, ह्यूमंस ने या एनिमल्स ने? तो ऑब्वियस सी बात है कि ह्यूमंस ने ही, यानी हम इंसानों ने ही सबसे ज़्यादा उसको सफ़र किया है, या उससे परेशानी हम ही को हुई है। पर क्या पक्षियों ने और जानवरों ने भी उसके परेशानी महसूस की, या उनको कोई परेशानी हुई? ऑब्वियस हुई, शॉर्टेज ऑफ फूड, तो भोजन की कमी तो उनके भी आई। पर बाकी उन्होंने देखा जाए तो इस पीरियड को बहुत ही इन्जॉय किया। कैसे किया, आपने भी न्यूज़ में, अखबारों में भी पढ़ा होगा, न्यूज़पेपर में देखा होगा, टीवी चैनल्स पे, न्यूज़ चैनल्स पे भी देखा होगा कि पिकॉक्स बाहर निकल कर के आ रही हैं, और जो कुछ जंगल के जो जानवर हैं या कुछ वाइल्ड एनिमल्स हैं, वो भी कई जगह देखे गए कि रोड पर आ रहे हैं। तो उनको ऐसा लगा कि हम प्रकृति की ओर, मतलब एक इतना क्राउडेड हो गया था, ह्यूमंस ने इसको इतना डिस्टर्ब कर दिया था नेचर को, कि जानवर अपना जीवन एक तरीके से जैसा होना चाहिए वैसे उस तरीके से नहीं जी पा रहे थे। तो देखा जाए तो इस चीज़ को जानवरों ने तो काफ़ी अच्छे से इन्जॉय किया। देखिए क्या रहता है कि ये एक नेचुरल सी प्रोसेस है, कि जैसे कि पेड़ उगना, फूलों का खिलना, स्प्रिंग सीज़न आना, मौसमों का बदलना। तो ये अगर है ना, इंसान की लाइफ अगर किसी भी चीज़ से इफ़ेक्ट करती है, या कहना चाहिए कि मनुष्य प्रजाति का यदि अंत होता है तो भी नेचर अपना कार्य करना नहीं बंद करती है। बारिश होनी है यानी होनी है, पेड़ उगना है यानी उगना है, फूलों को खिलना है तो खिलना है, गर्मी होनी है तो होनी है, सर्दी होनी है तो होनी है, पक्षियों को चहचहाना है तो वो भी चहचहाएंगे। अगर इंसान की प्रजाति को कोई कष्ट भी हो रहा है, या कोई परेशानी में है वो, या वो नष्ट भी हो जाती है कहना चाहिए, तो भी प्रकृति अपना कार्य करना नहीं छोड़ती है, बिकॉज इट इज़ अ कॉन्स्टेंट प्रोसेस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। द पोएम टॉक्स ऑफ मैनकाइंड वुड पैरिश अकाउंट ऑफ वार बट दैट कॉन्टिन्यू फॉर एवर। तो यहाँ इट इज़ अ पोएम अबाउट पीस एंड हार्मनी। यहाँ पे पोएटेस कहती है कि अगर है ना मनुष्य, मैनकाइंड जो है वो पैरिश हो जाती है, यानी नष्ट हो जाती है या किल्ड हो जाती है ना, मान लीजिए कि जैसे कि वार की सिचुएशन है या लॉकडाउन की सिचुएशन है, जैसा कि आजकल अपन पूरी दुनिया फेस कर रही है, तो इट इज़ आल्सो अ काइंड ऑफ वार, है ना। तो जैसे तब भी नेचुरल साइकिल जो है वो कंटिन्यू रहेगी, प्रकृति का जो चक्र है ना वो हमेशा चलता ही रहता है। नेक्स्ट लाइन, देयर विल कम सॉफ्ट रेन एंड द स्मेल ऑफ द ग्राउंड एंड द सैलो सर्कलिंग विद देयर शिमरिंग साउंड। इसमें पोएटेस कह रही है कि देयर विल कम सॉफ्ट रेन एंड द स्मेल ऑफ द ग्राउंड, कि जब बारिश होती है, बारिश होगी, और जब आपने देखा होगा कि जब बारिश होती है तो जो ड्रॉप्स होती हैं पानी की, जो ड्रॉप्स होती हैं पानी की, जो बूंदें होती हैं, वो जब ग्राउंड पे पड़ती हैं तो एक भीनी भीनी मीठी मीठी खुशबू आती है। और इसमें पोएटस ने कहा है कि स्वेलो सर्कलिंग विद देयर शिमरिंग साउंड। स्वेलो से यहाँ मतलब है बर्ड्स से, फ्यू बर्ड्स, कुछ बर्ड्स से। तो जो बर्ड्स हैं वो सर्कलिंग मोशन में एक बहुत अच्छी आवाज़ में साउंड बनाती हैं, या चहचहाती हुई गाती हुई जाती हैं।
एंड फ्रॉग इन द पूल सिंगिंग एट नाइट। आपने देखा होगा कि ये भी यहाँ पोइट कहना चाह रहा है कि जो चीज़ें होती हैं वो मनुष्य भले परेशानी में, आज लॉकडाउन हम फेस कर रहे हैं, क्या बारिश नहीं हो रही है? बिल्कुल हो रही है। हाँ, पक्षी आवाज़ कर शाम को चहचाना बंद कर दिया क्या पक्षियों ने? आपने घर से बाहर निकलना बंद किया तो पक्षियों ने बंद किया क्या बाहर निकलना? बिल्कुल नहीं किया, वो तो आकाश में वैसे ही घूम रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ इंजॉय कर रहे हैं, अपने ग्रुप के साथ। एंड फ्रॉग इन द पूल सिंगिंग एट नाइट। और बारिश का सीज़न है बच्चों, आपने भी गौर किया होगा कि फ्रॉग्स क्या करते हैं, सिंग करते हैं, टर टर का साउंड मेक करते हैं ना, टर टर इस टाइप का साउंड। तो ये भी एक नेचुरल सी प्रोसेस है, वो रात में अपने सिंगिंग करते हैं। एंड वाइल्ड प्लम ट्रीज इन ट्रेमेलस वाइट। और जो वाइट प्लम ट्रीज हैं वो एक तरीके से वाइल्ड होके वाइट, उसमें अपना प्रोसेस उनका भी चल रहा है। रॉबिन विल वियर देयर फैदरी फायर। रॉबिन्स जो बर्ड है उसका कलर कैसा, उसके फैदर्स का कलर बच्चों कैसा होता है? ऑरेंज होता है, तो इसलिए यहाँ पे फायर का यूज़ किया गया है। तो वो कैसे दिखते हैं फैदर उसके, रॉबिन्स विल वेयर देयर फैदरी फायर, उसके विंग्स ऐसे दिखते हैं आक्रमक से, आग की समान दिख रहे हैं। विस्लिंग देयर विम्स ऑन ए लो फेंस वायर। विस्लिंग देयर विम्स से मतलब है कि वो एक साउंड बना रहे हैं, विसिल यानी आप सभी जानते होंगे जैसे कि एक सीटी का जो साउंड होता है, विम्स ऑन ए लो फेंस वायर। और वो काय पे बैठती है? लो फेंस वायर जो होता है उस पे बैठती है। फेंस वायर तो आप सभी जानते होंगे ना, जैसे किसी गार्डन वगैरह को प्रोटेक्ट करने के लिए, जानवरों से प्रोटेक्ट करने के लिए जो फेंस बनाई जाती है वो। एंड नॉट वन विल नो ऑफ द वॉर, नॉट वन विल केयर एट लास्ट व्हेन इट इज़ डन। जो नेचर होता है या जो पक्षी होते हैं, पौधे होते हैं, उनको किसी भी वार के बारे में मालूम नहीं होता है और ना उनको उसके बारे में कोई चिंता होती है चाहे वो ख़त्म हो जाए। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो तो एक नेचर से संबंधित है और उनको नेचर के अकॉर्डिंग ही वो लोग चलते हैं। उनको कोई मतलब नहीं होता कि कोई वार हो रहा है या मनुष्य किसी चीज़ से परेशान हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो तो नेचर के, ना तो वो नेचर को कभी नुकसान भी नहीं पहुंचाते। आपने देखा होगा नेचर को जो नुकसान, प्रकृति को जो नुकसान पहुंचाता है वो कौन पहुंचाता है बच्चों? मनुष्य ही पहुंचाता है। और बर्ड्स और ट्रीज तो उनको बल्कि देखा जाए तो एडवांटेज ही देते हैं, कोई डिसएडवांटेज नहीं देते। तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई केयर नहीं है उनको कि मतलब मैनकाइंड एंड भी हो जाए। नॉट वन वुड माइंड नीदर बर्ड नॉर ट्री। और कोई इस चीज़ का किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना तो पक्षियों को और ना ही ट्रीज को, है ना। इफ़ मैनकाइंड पैरिस अटरली, अगर पूरी मैनकाइंड पूरी तरह से किल हो जाती है या मर जाती है तो भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एंड स्प्रिंग हर सेल्फ वैन शी वोक एट डॉन। अब यहाँ स्प्रिंग को एक लड़की के रूप में दिखाया गया, व्यक्त किया, मतलब उसका वर्णन किया गया है। एंड स्प्रिंग हर सेल्फ वैन शी वोक एट डाउन। तो यहाँ कहा गया है कि जो स्प्रिंग सीजन है उसको जब आना होगा तो वो भी अपने उस पर समय पर आएगा ही। चाहे वुड स्केयरली नो दैट वी वर गॉन, और उसको कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा या डर नहीं लगेगा कि कोई वॉर हो रहा है या कोई परेशानी हो रही है। तो ये जो है आपकी पोइम रिटन बाय सारा टेड्सले टेस्टले, और ये जो पोइम आपकी थी पीस और हार्मनी के ऊपर है। यानी इसमें ये कहा गया है कि जो नेचर की जो प्रोसेस होती है, जो नेचुरल साइकिल होता है, वो हमेशा कंटिन्यू रहता है, वो किसी भी कंडीशन में रुकता नहीं है। चाहे देश में या दुनिया में कोई भी हालात हों, या मैनकाइंड सफ़र कर रहा है, या मैनकाइंड पैरिश भी हो जाता है, यहाँ तक कि मनुष्य नष्ट भी हो जाता है, मर जाता है, तो भी वो अपना कार्य करना नहीं छोड़ती। आई होप यू ऑल हैव एंजॉय दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ।